हेलो दोस्तों, मंजीत वाली में आपका स्वागत है। आज जानेंगे मोरफो आरडी सर्विस एक्सिस बैंक में कैसे काम करती है, इसके ड्राइवर कहाँ से मिलते हैं और कैसे काम करते हैं। दो मिनट हमें बोल, पहले हमें सबसे पहले मोरफो का कोई ड्राइवर हो जिसे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने से पहले का कोई ड्राइवर हो उन्हें अनइंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें इसमें काटना है मोरफो अनइंस्टॉल। हो रहा है अनइंस्टॉल। सभी पहले के ड्राइवर काटने हैं, जो भी ड्राइवर हो मोरफो का, इकट्ठा एक और रहेगा मोरफो आरडीओ सर्विस, इसे भी अनइंस्टॉल करना। यस, ओके। बैग जाना है, डेस्कटॉप खोलना, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आ गया मोरफो लॉक, मोरफो आई डी सर्विस, इससे शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। ओके, डिलीट, फिर आना बैग, फिर रिक्रेस, फिर आना इस पर करना है रन, आर यू एन रन। ओके, फिर परसेंटेज TEN 10%, ओके। इसे करना है कंट्रोल ए से सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, ओके, डिलीट, कंटिन्यू, एस्केप। बाद में बैक, फिर जाना फिर प्रोटेज, इसे ओके करना, कंटिन्यू, फिर जाना कंट्रोल ए कंट्रोल टी डिलीट परमानेंट, ओके, फिर आना बैक। अब हमें कोई ब्राउजर खोलना है, जैसे मैंने खोला क्रोम, यहाँ से करेंगे आरडी मोरफो आरडी सर्विस डाउनलोड, मोरफो आरडी सर्विस, लिंक आ गया फर्स्ट लिंक पे, ये वाला ओके, फर्स्ट लिंक आ रहा है, ये वाला लिंक आ रहा है आर डी सर्विस ऑनलाइन रजिस्टर्ड एंड में मोरफो फिंगरप्रिंट, इसे ओके करेंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे डाउनलोड पे हमें मोबाइल है तो मोबाइल और विंडो है या विंडो पे हम क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसे शो पे करते हैं, डाउनलोड हो रहा है हमारे ख्याल, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। थोड़ा समय ला रहा है, बस ओके। यहाँ से शो इन फोल्डर करेंगे जी आगे, इसे हम कट करेंगे ऊपर, इसे डेस्कटॉप पेस्ट करेंगे, फिर एग्जिट फाइल करेंगे, इसे एग्जिट हो गई, एग्जिट वाली जी अभी इसे ओपन करेंगे, इसे ओपन करेंगे। अब हम अपनी मोरफो की डिवाइस कंप्यूटर में लगा लेंगे, मैंने लगा ली, इसे अब रन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यहाँ से यास करेंगे। सबसे आसान तरीका दो मिनट में हो जाएगी, यहाँ से अब चल रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, चलने दें, थोड़ा समय लेगा। आगे बढ़ गई, थोड़ा सा समय, मोरफो आरडी सर्विस इज स्टार्टिंग, यहाँ से आ गया लोगो, डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली,
यहाँ से करेंगे नो, जी बोल लिया यस तो रीसेट कंप्यूटर, नो हमें नहीं करना है, यहाँ से करेंगे ओके, इसे ओके, इसे यहाँ से काटेंगे। सबसे पहले जाएंगे मॉर्फो सेटिंग, वो गूगल क्रोम में मॉर्फो सेटिंग करने, यहाँ से खोलेंगे सेटिंग, यहाँ से जाएंगे प्राइवेसी सेटिंग, यहाँ से सेटिंग, यहाँ पॉप अप टू एंड पॉप में आएंगे, यहाँ देख लेंगे अगर तुम्हारे लोगो है तो सही है, अगर नहीं है बाई चांस तो यहाँ से एक्सिस बैंक का वो खोलेंगे। यूआरएल यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ में, उसके बाद हमें आना है यहाँ, इसके बाद हमें ये करना है डिलीट, ठीक है, इसके बाद करना है ऐड कंट्रोल वी सेव, यहाँ से करना है ऐड हो गया, इसके बाद आने हैं यहाँ यहाँ तक आने यहाँ एफ एल एफ एल फ्लैट आ गया, यहाँ करने ओके, यहाँ करने एल आउट, यहाँ करने लोकल लोकल होस्ट फाइल, अगर आपका इनेबल है डिसेबल है तो इनेबल कर लें, ठीक है, अगर डिसेबल है तो इनेबल हो रहा है, पहले तो इनेबल होता ही समय, और बाई चांस इनेबल नहीं है डिसेबल है तो इनेबल कर लें, ठीक है। अब जाते चलते हैं हम अपना खोलते हैं एक्सिस बैंक का, यहाँ से खोले एक्सिस बैंक, यहाँ डालते हैं आईडी अपनी, कर सकते हो हमें मॉर्फो सिलेक्ट नहीं करना है, आपके पास मॉर्फो है तो मॉर्फो नहीं करना है, सेकंड वन करना है स्ट्राइप करना है, स्ट्राइप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ ओटीपी डालेंगे, जिसकी मेरी ओटीपी आ गई ओके, थोड़ा वेट लगेगा खुल गया, उसके बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर मांगेंगे एजेंट, तो अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा पे ओके करने, देखो फ्रेंड मेरी लाइट जल गई है मॉर्फो की, मैं फिनिश कर रहा हूँ, यहाँ लग गया, इसे हम सबमिट करेंगे, तो खुल गई यहाँ से आधार कार्ड, इसमें है क्या कहा बैलेंस का फंड ट्रांसफर मिनी स्टेटमेंट डॉट, यहाँ से और भी कोई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, इससे जुड़ी जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहेगी, धन्यवाद, थैंक यू।